अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी खीर। अच्छा, खीर तो खीर होती है, अब आप सोचोगे क्रीमी कैसी हो गई, बट ट्रस्ट मी, आपने ये वाली खीर ट्राई करनी है और आपको पता चलेगा इतनी क्रीमी, इतनी टेस्टी एंड यमी कैसी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, तपेली में गर्म पानी करना है और इसी गर्म पानी में आपने दूध का पाउडर ऐड करना है। आपने दूध से नहीं बनानी है, मतलब दूध हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे मगर आपको इसमें दूध का पाउडर ऐड करना है। जो भी दूध का पाउडर आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ये डाल सकते हो इसमें और उसको एक अच्छा सा पहले मिल्क बना लेना है दूध के पाउडर से। अब दूध का पाउडर हम ऐड कर रहे हैं तो शुगर हमें थोड़ा कम यूज़ करना है, शक्कर का जो भी चीज़ हम मीठा डालेंगे इसको मीठा बनाने के लिए वो कम यूज़ करना है बिकॉज ये ऑलरेडी मीठा होता है। ठीक है, अब इसको मैंने करना है अच्छे से बॉईल, इसको बॉईल आने देना है। बॉईल आने देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। आप अपने हिसाब से ऐड करना, अंदाजन ऐड करना, टेस्ट करना, उसमें ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करना, मिठास कम रहे, ज़्यादा मीठा होने पे कोई चीज़ खाई नहीं जाएगी। अच्छा चलो, अब यहाँ पे मीठा हो गया, शक्कर ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ है चावल का पाउडर जिसको हमने अच्छे से पीस लिया था, पहले इसे सुखाया था, सुखाने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा हल्का सा तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके स्टिर करते रहना है, हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा चावल का पाउडर ऐड करते रहना है। इससे क्या होगा ना, जो चावल का जो क्रम है ना वो ऐसे ही बॉयल होता रहेगा और खीर जो है वो और गाढ़ी होती जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसे घुमाते रहो वरना ये गट्टे बन जाएंगे चावल के अंदर और बिल्कुल भी जो टेस्ट हमें चाहिए जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। कुछ गट्टे मेरे इसमें दिखेंगे मगर मैंने उसको बहुत अच्छे से हिला के सही कर लिया था। अब यहाँ पे छोटे चम्मच से काम तो हो नहीं रहा था तो मैंने बड़ा चम्मच ले लिया, आप गट्टे देख सकते हो, बट आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहो बॉइलिंग पर, ये खुद ब खुद सही हो जाते हैं। सो इतना वरी नहीं होना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे इतना होने के बाद ये बॉइलिंग होते रहने देना है। साइड में आपने क्या करना है, एक बघार के लिए जैसे हम ले रहे वैसे कोई भी घी घर का ले लो आप, हमने अमूल घी लिया है। और यहाँ पे देखो इसको इतना बॉईल कर करके नीचे तक आ गया है ऑलमोस्ट, उतना आपने खीर को बॉईल करना है। ठीक है, यहाँ पे काजू बादाम वगैरह पिस्ता ये सब जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सुखा के मम्मी ने कट करके रखते हैं यूजली, उसका हमें घी में डाल के तड़का देना है। कुछ लोग इलायची ऐड करते, लौंग ऐड करते, हम लोग नहीं करते। आप लोग अगर ऐड करते हो तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये यहाँ पे इसका अच्छे से तड़का देंगे, मस्त घी में रोस्ट करेंगे इसको और फिर हम अपने खीर में जो हमने बना के रखी उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इसको इसमें ऐड किया और अच्छे से इसे पकने दिया। यहाँ पे खीर में ना पूरा काम सिर्फ पकने देने का है, बट ट्रस्ट मी, दूध के बदले आप दूध के पाउडर से खीर बनाओ, इतनी टेस्टी बनती है, इतनी यमी एंड क्रीमी बनती है दैट यू विल लव इट, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ हल्का सा ज़ाफ़रान ऊपर से ऐड कर दिया और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। मिक्स होने के बाद हमने इसे करना है एक, हमने लिया मिट्टी वाला बर्तन और मिट्टी वाले बर्तन में इसको डाल के फ्रिज में रख दिया। कुछ लोग गर्म खाते हैं, हम लोग प्रिफर करते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए और फ्रिज में रखने के बाद जब इसे खाते हैं बहुत यमी सा लगता है। सो यर हाउ वी मेड इट, आप ट्राई करना, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।